अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हमारे देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, सदा मुस्कुरा दे रहे। इसी के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो दो तीन दिन पहले मैंने जो सूखा धनिया होता है साबुत, तो वो मैंने जो है इस गमले में डाल दिया था और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के दोबारा से मैंने पानी डाल दिया था। तो फिर जब तीन दिन बाद मैंने देखा तो गमला जो है वो हमारा हरा भरा हो गया और ये देख के मैं काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो धनिया जो है वो हमारे गमले में उग आया है। तो बस अभी मैं अपने जो रूटीन के काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे किचन की सफाई हो रही है और साथ में मैंने सालन भी बना के रख लिया था सुबह ही। तो आज मैंने बनाया है आलू और कीमे का सालन। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो बस यहाँ पे जो है सारा किचन जो है वो साफ़ हो गया है। और तो बस फिर पूरा दिन जो है मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि उम्मीहानी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अभी जो है रात का टाइम है और आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया। इसमें मैं 2 जो दरमियाने साइज़ के प्याज है वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीका है पुलाव का, लेकिन इस तरीके से अगर पुलाव बनाओगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया था। इसमें हमारे पास एक नली भी है, तो जो बोटियाँ थी तो वो मैंने अलग रख लिए थे और इसकी यखनी जो है वो मैंने अलग निकाल के रख ली थी। तो बस अभी जो है इसको प्याज में थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इस पर जो हमारे स्पाइसिस हैं वो डालेंगे। तो स्पाइसिस में इसमें वही ऐड करूँगी जो हमारे पास घर में मौजूद है। और पुलाव की प्रॉपर रेसिपी मैं आप सबको दे रही हूँ, तो इस रेसिपी से अगर आप पुलाव बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्ची ली थी जिसको मैंने कूट लिया और अभी इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें मैं जो है लाल मिर्ची नहीं ऐड करूँगी, बस मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर ली। इसके अलावा इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। तो ये सारे वो स्पाइसेस हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं और इन स्पाइसेस से पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब जो है मैं पुलाव का मसाला ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन 1.5 चम्मच पुलाव का मसाला था जो मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें एक प्याली जो है दही का ऐड करूँगी। और इस पुलाव में मैं टमाटर जो है ऐड नहीं करूँगी। तो बस अब इसको इतना भूनना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जो है मैं इसमें यखनी डालूंगी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर का ऐड कर लिया था और जब सारा मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया गोश्त के साथ तो फिर मैंने इससे में से ये नली वाली हड्डी निकाल ली। अब मैं इसमें यखनी डाल दूंगी और जब यखनी को उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। तो यखनी जो है वो हमारे पास कम पड़ रही थी तो फिर मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया और इसी टाइम जो है मैं इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी। तो मैंने नमक जो है थोड़ा सा इसमें डाल दिया है क्योंकि पुलाव का जो मसाला मैंने डाला था उसमें भी नमक था। तो बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो बस अभी इस पे मैं ढक्कन ढक लूँगी और जब पानी में उबाल आ जाएगा यखनी में तो फिर उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी।
तो जब तक मैं अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ तो चूल्हे पे भी काफ़ी मिट्टी और धूल जो है वो पड़ चुकी है, क्योंकि हमारा किचन ओपन किचन है तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। और इसके अलावा कुछ पकाओ तो थोड़ा बहुत भी जहाँ पे गिर जाता है तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारे जो है चुंडियाँ भी आ जाती है। इस वजह से इस जगह को साफ ही रखना पड़ता है और बर्तन भी काफ़ी सारे जमा हो गए तो साथ साथ इसको भी धो लूँगी। तो बस यखनी में उबाल आ गया, अब इसमें मैं चावल ऐड कर लूँगी। ये बासमती चावल है और बासमती चावलों का पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। तो बाकी चावलों का पानी सूख गया, बस थोड़ा सा रहता है। अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्चें काट के रख दी और वो मैंने डाल दी, और साथ में जो नीली हमने निकाल के रखी थी वो डाल दी। इस वक्त आप इस पे पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पुदीना स्किप किया है क्योंकि हमारे घर में कोई भी शौक से नहीं खाता, तो इस वजह से बस मैंने सिर्फ हरी मिर्चें डाल दी थी। और बस यहाँ पे चावलों को अच्छी तरह से दम आ चुका है तो चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी और खाना हम लोग खाएँगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ मैंने रायता भी बना लिया था और दही वाला रायता बनाया था, साथ में मैं चटनी भी बना ली थी। और बाकी जो हमारे बर्तन वगैरह थे वो सारे धुल चुके हैं तो बस अब खाना खा लेंगे। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है और जो नली है वो नली भी हम अब इसमें निकाल लेंगे। तो नली के साथ जो है ये चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे नली जो है वो हमने हड्डी में से निकाल ली है और अभी इस नली के साथ चावलों को ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनाता। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।